हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। मेरा नाम है कल्पित जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने न्यूमेरिकल्स किए थे और साथ ही साथ डिस्कस किया था हाइड्रोलिक एनर्जीज के बारे में, और साथ ही साथ डिस्कस किया था हाइड्रोलिक एनर्जीज के बारे में। वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो हमारा अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आती है हमारी बर्नौलीज थ्योरम। वो आती है हमारी बर्नौलीज थ्योरम, और वहाँ पे हमने वो जो हाइड्रोलिक एनर्जीज थी उन्हीं का यूज़ करना है। वहाँ पे जो हमने हाइड्रोलिक एनर्जीज पढ़ी थी उन्हीं का हमें वहाँ पे यहाँ पे यूज़ करना है। तो बात करते हैं बर्नौली थ्योरम की। देखिए, इसका डेरिवेशन तो आपके कोर्स में नहीं है। जो अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन तो उसका कोर्स में नहीं है। हमें केवल इसका स्टेटमेंट लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला क्या आता है, और साथ ही साथ इसके एजम्पशंस लिखने हैं, साथ ही साथ इसके एजम्पशंस लिखने हैं और इसके लिमिटेशंस लिखने हैं कि लिमिटेशन क्या क्या है बर्नौली थ्योरम की। जो एजम्पशन होंगे उसी से हम लिमिटेशन बना लेंगे, जो एजम्पशन होंगे उसी से हम अपनी लिमिटेशन बना लेंगे, ठीक है। तो यही आपको अपने क्वेश्चन में करना है। ये 8 मार्क्स में ही पूछा जाता है, 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है, और साथ ही साथ सिंपल इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि बर्नौली थ्योरम में कौन कौन सी एनर्जीज होती है। तो देखा जाए तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने इसके बाद पढ़ने हैं, जिसपे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जो हमारा होता है वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफाइज मीटर, हमने उनको भी डिटेल में पढ़ना है। वहाँ पे हम उनके डेरिवेशन भी देख लेंगे और साथ ही उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, या अपना बर्नौली थ्योरम पे। देखिए, जो अभी तक हम टॉपिक करते आए हैं, चाहे हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन करी, चाहे रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज की बात करी, वो सारी चीज़ें यहाँ भी यूज़ होंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर में न्यूमेरिकल बनता है इस चैप्टर से, 8 नंबर में न्यूमेरिकल बनता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिए, क्योंकि इससे थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल कभी कभी दोनों बन जाते हैं, और कभी हो सकता है या तो थ्योरी आ जाए या न्यूमेरिकल आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बर्नौली थ्योरम। तो एक्चुअल में बर्नौली थ्योरम कहती क्या है? बट इट्स स्टेट्स दैट, क्या बोलती है वो, इन एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, कि अगर कोई फ्लूड आइडियल है और इनकम्प्रेसिबल है। देखो, हमने बात करी थी कोई भी ऐसा फ्लूड नहीं है जो आइडियल इन कंडीशन हो। मतलब आइडियल मतलब जिसकी विस्कोसिटी जीरो, जिसकी विस्कोसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये जो सब चीज़ें हम बात करते हैं, ये जीरो हो और इनकम्प्रेसिबल हो। मतलब उसकी क्या है, इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि अलग अलग जा रहा है। जब हमने स्टेडी फ्लो पढ़ा था तो वाली कंडीशन लेके चले हैं कि पार्टिकल आ रहे हैं पर उनकी सेम वेलोसिटी, सेम डेंसिटी, सेम प्रेशर है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम वो कंडीशन लेके चलते हैं आइडियल कंप्रेसिबल फ्लूड, व्हेन द फ्लो इज स्टेडी एंड कंटिन्यूअस, मतलब फ्लो क्या है, स्टेडी है, वही वाली चीज, विस्कोसिटी जीरो एंड कंटिन्यूअस, लगातार हो रहा है, रुकना नहीं चाहिए फ्लो। आपने सोचा कि पानी डाला और रुक गए, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। द सम ऑफ, तो बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जो हमने कल भी बात करी थी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स की, कहाँ पे हमारा पार्टिकल है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट प्रेशर एनर्जी, उस जगह पे कितना प्रेशर लग रहा है जहाँ पे वो पार्टिकल है, उस जगह पे जो हमने वर्टिकली इमर्स सरफेस, हॉरिजॉन्टली इमर्स सरफेस पढ़े थे, तो उस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। एंड काइनेटिक एनर्जी, जो वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है, जिस मोशन से वो मूव कर रहा है, उसकी वजह से कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है। तो इन तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमारा बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इनका सम कांस्टेंट होगा। कहाँ, थ्रू आउट द चैनल, थ्रू आउट द चैनल या पाइप। चैनल की बात नहीं करेंगे, पाइप की बात करेंगे, क्योंकि पाइप फ्लो पढ़ रहे हैं हम अभी अभी हम पढ़ रहे हैं पाइप फ्लो, चैनल फ्लो बाद में आएगा। आप लोग ज्यादातर चैनल फ्लो से डील करते हैं, पाइप फ्लो से डील नहीं करते हैं, तो फिलहाल हम पाइप फ्लो पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं पाइप फ्लो की, कि पाइप के अंदर जब पानी फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है,
आपकी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। तो पी बाय रो जी हमारी होती है क्या? प्रेशर एनर्जी। पी बाय रो जी जो होती है हमारी वो होती है प्रेशर एनर्जी। पी हमारा प्रेशर है। वी स्क्वायर अपॉन टू जी क्या होती है हमारी? वो होती है काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी है। और जेड क्या होती है हमारी? पोटेंशियल एनर्जी, हाइट की वजह से, पोजीशन ऑफ पार्टिकल की वजह से, कितनी डेप्थ पे रखा हुआ है हमारा पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं। बात करते हैं इसके अजम्पशन की कि जब हम बर्नौली थ्योरम सॉल्व करते हैं या बर्नौली थ्योरम की बात करते हैं तो क्या क्या अजम्पशन लेके चलते हैं। अजम्पशन समझ गए ना? अजम्पशन क्या क्या मान लेके चलेंगे, क्या मान ले? जैसे हम कहते हैं ना लेट एक्स इक्वल टू दिस मैथ, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम कोई प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ मान लेके चलते हैं। हमने मान लिया कि सपोज ऐसा होता है, उसके हिसाब से फिर हम हेंस प्रूव्ड करते हैं आगे किसी भी चीज को। तो यहाँ पे भी हमने मान लिया द फ्लो इज स्टीडी एंड कंटिन्यूस, द फ्लो इज स्टीडी एंड कंटिन्यूस, जबकि हमें पता है कि स्टीडी फ्लो होना इतनी आसान चीज नहीं है। स्टीडी फ्लो होना इतनी आसान चीज नहीं है, क्योंकि जब हमने स्टीडी फ्लो की बात करी तो हमने बोला था कि वेलोसिटी, प्रेशर या क्या कहते हैं बात करूं डेंसिटी, ये सारी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है किसी पार्टिकल की या एक एरिया में। जब हमने स्टीडी फ्लो पढ़ा था, आप पुराने वीडियो में जाके देखिए, 13th या 12th वीडियो है जो हमारा, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमने टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो की बात करी है, टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो की बात करी है, उसमें स्टीडी फ्लो देखा था। स्टीडी फ्लो देखा, स्टीडी फ्लो क्या था कि जब एक एरिया से हमारा कोई पार्टिकल पास कर रहा है, एक एरिया से, मैंने कहा सपोज एक एरिया से जब कोई पार्टिकल पास कर रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, तो जब हम उस जगह पे उसकी वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नाप रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो रही है, वो सेम रह रही है। तो ये कंडीशन हम मान के चलेंगे, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। मैंने एज्यूम कर ली ये चीज, होती नहीं है पर मैंने एज्यूम कर लिया अगर मुझे रिजल्ट निकाल के लाना है तो। दूसरी चीज, फ्लूड इज आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल। देखो, कोई भी फ्लूड आइडियल इन नेचर नहीं होता। हम वाटर को आइडियल मान के चलते हैं ताकि हम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके। वाटर हमारा क्या है? हम उसे एज आइडियल फ्लूड मान के चलते हैं, होता नहीं है, हम मान के चलते। आइडियल मतलब जिसकी जीरो विस्कोसिटी है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो दब नहीं सकता, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। पर एक्चुअल में क्या होता है, ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो दूसरा एजम्पशन ये लेके चलते हैं। तीसरा, फ्लो टेक्स प्लेस विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओवर अ सेक्शन। तो मैंने अगर एक सेक्शन लिया है, एक पाइप का सेक्शन लिया है, तो उसमें जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। जो वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म, एक सार चल रहा है, एक सार, ऐसा नहीं है कहीं पे बहुत तेज है, कहीं पे बहुत हल्का है, एक सार चल रहा है बिल्कुल। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओवर द सेक्शन। और लास्ट है, द ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूड आर ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस। जो फोर्सेस लगेंगे फ्लूड में, केवल ग्रेविटी और प्रेशर लगेंगे, मतलब कोई विस्कोसिटी नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स कोई है ही नहीं, ना सरफेस टेंशन है, मतलब किसी भी तरह का और कोई फोर्स नहीं है। केवल एक जी एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा प्रेशर, जिस फोर्स से वो मूव कर रहा है आगे, एक प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा और दूसरा एक्ट करेगा जी। तो ये हम अजम्पशंस लेके चलते हैं अगर मुझे बर्नौली थ्योरम प्रूव करनी होती है। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं बात करूँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि बर्नौली थ्योरम प्रूव करने को आएगी आपके कॉम्पिटिशन में, ना ही आपके एक्सटर्नल एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि ये आएगी आपकी प्रूव करने को। ये प्रूव करने को नहीं आएगी, आपको केवल इसका स्टेटमेंट लिखना होगा, इसका मैथमेटिकल स्टेट फॉर्मूला लिखना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा जिससे आप ये एक्सप्लेन करोगे, और साथ ही साथ उसके क्या लिखने होंगे, एजम्पशंस लिखने होंगे कि इसके क्या क्या एजम्पशंस होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है जिसकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमने एक डायग्राम बना रखा है कि एक एंड से पानी आया और दूसरे एंड से निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। अरे भाई,
चलिए P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वस टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अब ये Z1, Z2, P1, P2, V1, V2 क्या है? अब हमने दो सेक्शन लिए, 1-1 और 2-2 अपने पाइप में। दो सेक्शन लिए 1-1 और 2-2 अपने पाइप में। तो हमने कहा कि P1 क्या है? प्रेशर एट सेक्शन 1। प्रेशर एट सेक्शन 1, इसका एरिया है सेक्शन 1 का A1, वेलोसिटी है V1 और डेटम से इसकी हाइट है Z1। डेटम मतलब जो हम ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। अगर ग्राउंड से लगा हुआ होता तो Z1 जीरो हो जाता, अगर ये चीज यहाँ पे होती तो जीरो हो जाती, पर ये उठी हुई है तो हमने Z1 मानी है। सिमिलरली हम बात करते हैं अपने सेक्शन 2-2 की। वहां पे क्या है? A2 हमारा एरिया हेड सेक्शन 2, P2 हमारा प्रेशर हेड सेक्शन 2, V2 हमारी वेलोसिटी है और Z2 हमारी हाइट हेड सेक्शन 2। अब ये तो डिफरेंट हाइट पे हो गया ऐसे करके, अब ये सेम हाइट पे भी हो सकते थे, तो Z1 इक्वल टू Z2 हो जाता, दोनों कैंसिल हो जाते और जो इक्वेशन बचती उसके हिसाब से हम अपनी इक्वेशन सॉल्व कर लेते। तो ये हमारी है बर्नौली थ्योरम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये सोच रहे हैं इसको छोड़े तो छोड़ने की बिल्कुल मत सोचिएगा। चाहे आप कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन में भी बर्नौली थ्योरम का क्वेश्चन आ जाता है, अजम्पशन पूछ लेता है वहां पे। अजम्पशन क्या क्या इसके अजम्पशन है, दिस 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 या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव ऐसे करके आ जाता है। या फिर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करा सकता है, छोटा सा न्यूमेरिकल होगा जिसमें आपको कुछ वैल्यूज गिवन होगी, कुछ मिसिंग होगी, कुछ जीरो दे रखा होगा, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। साथ ही साथ अगर एक्सटर्नल की बात करूं, आपके पेपरों की बात करूं, उसके हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। जितना मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना अगर आप लिख दोगे तो आपके 8 मार्क्स मिल जाएंगे। लिमिटेशन की बात करूं, लिमिटेशन में क्या होगा? लिमिटेशन हमने बात करी स्टीडी एंड कंटिन्यूस, तो भाई स्टीडी एंड कंटिन्यूस फ्लो होता ही नहीं है। आइडियल एंड कंप्रेसिबल, रियल एंड कंप्रेसिबल होता है, लिमिटेशन है रियल एंड कंप्रेसिबल होता है। विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो टेक नहीं करेगा। नेक्स्ट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी एंड प्रेशर, नहीं, विस्कोसिटी भी लगती है, सरफेस टेंशन भी लगता है, तो केवल यही फोर्स नहीं लगेंगे और फोर्सेस भी एक्ट करेंगे, तो ये सारे लिमिटेशन। अजम्पशन का उल्टा कर दोगे तो वो सारे लिमिटेशन हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, इस टॉपिक को सही से समझ लीजिए कि बर्नौली थ्योरम होती क्या है, उसके अजम्पशन क्या है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने बर्नौली थ्योरम के, साथ ही हम क्या करेंगे जो अपने एप्लीकेशन है इसकी, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है, वेंचुरी मीटर और ऑरिफाइज मीटर में होता है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है, वेंचुरी मीटर और ऑरिफाइज मीटर में होता है, वहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम अपने जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करी है, जो हमने पिछले FM के पेपर के टाइम पे यूज़ करते हैं, हम उसी से करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे इजी रहेगा, वहाँ पे आपको समझ भी जल्दी आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सब चीज़ क्वेश्चन रहेगा, हम फटाफट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं होगा वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा डेली एक नया वीडियो आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। आजकल हमने थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया, शुरू के जो हमारे वीडियो थे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के थे, आजकल हम केवल एक या दो टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं और वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उससे आपको भी आसानी रहेगी क्योंकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगी। कम टाइम देना है, आपको भी बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कम 5 to 7 या 10 मिनट्स का अगर वीडियो है तो हर कोई व्यू कर सकता है, 30-40 मिनट्स मैं भी कहता हूँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हमने अपनी लेंथ थोड़ी सी कम कर दी है वीडियोज़ की, 10 to 15 मिनट्स का हमारा वीडियो है। देखिए, समझिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे कुछ गेन कर सके। तो फ्रेंड्स, तब तक ले, ओके, बाय बाय।